उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लगभग 12 दिन पहले एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी होने पर पीड़िता के परिजन थाने में इसकी तहरीर देते हैं, लेकिन पुलिस ने इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस घटना के बाद आरोपी लगातार पीड़िता को धमकी दे रहे थे, लेकिन पुलिस इनकी नहीं सुन रही थी और इसका खामियाजा पीड़ित के परिवार को भुगतना पड़ा, जहां कल पीड़ित के परिजन बाहर गए हुए थे और लड़की के पिता घर में अकेले थे। आरोपियों ने पीड़िता के पिता की घर में घुसकर पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और आरोपी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसका मुकदमा लिख लिया गया है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए रोज नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और पुलिस को भी हाईटेक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा पीड़िता का मुकदमा न दर्ज करना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर खड़ा करता है। यादव नाम का आदमी है, जो कि उसकी कोई लड़की थी 14-15 साल की, उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई थी 15 दिन पहले, और उसने सुसाइड किया या उसको मारा गया, तो मुकदमा लिख गया है 302/1976 में। विवेचना में सही बात आएगी, विवेचना देंगे और जो फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। देवरिया से जनमत न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।